और उसमें राजा गाय सभी राजा गाय को उपस्थित किया है और रंगा धर दर्शन धर का निमंत्रण है वहां पर अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम श्यामल गौर शरीर वाले भी उपस्थित है इसलिए मुझे जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए और उस श्यामल गौर शरीर वाले के दर्शन को पाकर के अपने जीवन को पदार्थ बनाना चाहिए। राजा जनक का द्वारपाल है अपने महाराज से जाकर बतला दे कि आपके दरवाजे पर विश्व जय लंका धरा दर्शन घर पर आ रहे हैं। ठीक महाराज आप ठहरे मैं अभी शीघ्र जाओ सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार हो लगते कहे मिथिलेश्वर या आपको जनकपुरी में इतने अद्भुत चमत्कारी तो इसका क्या कारण है। लगते हम अपने पुत्र सीता का स्वागत कर वो स्वागत में ये सब अद्भुत चमत्कारी है बेटी सीता का सौंदर्य रचा रखा है और उसने सभी राजा गणों देवता गणों का आमंत्रित किया है परम ग्रंथ का ध्यान दशकंधर का निमंत्रण है। लगते सोचो विचार करो तुम्हारे मंडप के चारों ओर जल ही जल प्रतीत होता है इतना बड़ा समुद्र हमारे पास ऐसा कोई दिन होता नहीं है जो तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र लेकर के जाता है। मिथिलेश्वर आपने भारी भय किया है अगर आपके निमंत्रण देना था तो फिर वो समुद्र से कह देते वो समुद्र मेरे पास जा करके मेरा निमंत्रण पकड़ा देता। लगते ये मुझे मालूम नहीं था कि समग्र देव मेरा निमंत्रण पत्र आपके पास अवश्य पहुंचा देंगे इसके लिए मुझे क्षमा कर दो आप मेरे स्वयं में आ ही चुके हो तो आशा को ग्रहण करो। चलो ठीक है मैं आपके स्वयं में सम्मिलित होता हूँ। शंकर प्रधान जी सरैया छतौना से 1001 रुपया राम जीवन प्रजापति फोटोग्राफर रेवसा से 100 रुपया एंड श्रीमान गुमगाम 200 रुपया माँ दुर्गी मैदान की ही एंड आगे पबलू भटपुरवा से 100 रुपया मेले में डाल के हमारी पार्टी से धन्यवाद। द्वारपाल महाराज देखो अपने सभी राजागण देवतागण हमारे बेटी के सिरोपर में आ चुके हैं। हाँ महाराज ये सिर द्वारपाल मैंने जो सौगंध शपथ खाई है आज इन देवताओं और राजाओं के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। प्रकट करो महाराज। इसलिए देवता गुरु राजा गुरु जो मैं कहने जा रहा हूँ
और ध्यान पूर्वक सुनना कि तीर करो राजा करो सुनिए धर जो वीर ये धनुष को उठाकर के तोड़ देगा हम अपनी पुत्री सीता का सिलसिला उसके साथ लेकर दूंगा। इसलिए शौर्य को नरेश पाराशिव सर्वप्रथम हम तुम्हें आदेश देते हैं जाओ धनुष का खंडन करो और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। जय श्री अनुमति मित्र विश्वास भंजन करने से रोकने वाला और राजपाल जाओ उसे पूछ कर क्या उसका शुभ नाम क्या है। द्वारपाल जाओ इसे पूछ कर आओ उसका परिचय लेकर आओ। पहले प्रश्न देना है उन्होंने उसे देना होगा। मैंने क्या कहा था जाओ परिचय लेकर आओ। तू आपको चाहिए भाई लोगों के बाप से।